ऐसा नहीं है कि उनके पास केवल महिला वोट के लिए आ रही है। पुरुषों का विश्वास जो महिला अधिवक्ताओं पर ज्यादा है। मेरे पास खुद अधिकांश पुरुष पुरुष वोट के लिए आते हैं, महिला वोट के तो वहाँ पे इतने केस करती ही नहीं है। आप सभी पक्ष कानून के संबंध में यदि कोई सवाल पूछना चाहते हो तो अवश्य पूछें। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछें, क्योंकि जो है हम आपको तभी कुछ बता सकते हैं। कानून बहुत ज्यादा है और सब आपके पक्ष में है, सारा कानून महिलाओं के पक्ष में है, लेकिन अगर आप कुछ पूछेंगे हम तभी बताएंगे। कोई सवाल किसी का? शर्मा रहे तो हेलो, मैं पूछ लेती हूँ सबकी तरफ से सवाल। महिलाओं के इनहेरिटेंस राइट्स क्या है, मतलब उसको उसके पिता से जो एग्रीकल्चर की जमीन और जो प्रॉपर्टी मिलती है उसके बारे में कुछ बताइए। अब महिलाओं का अधिकार उत्तराधिकार कानून से हर उसमें है। जिस तरह से एक लड़के को अधिकार मिलता था अपने पिता की जमीन में, उसी तरह से अब लड़की को अधिकार मिल रहा है। इसलिए कभी भी जो है आप पीछे ना रहें। अगर आपको अपनी अपना अधिकार लेना है आप कोर्ट में आए, कोर्ट में आपके पास एडवोकेट आपको अधिकार दिलाएंगे और मैं खास तौर पर दिलवाऊंगी आपको आपका अधिकार। एक अधिकार आपको घरेलू हिंसा अधिनियम में देता है। मेरे ख्याल से यहाँ अधिकांश महिलाएं जो है उनमें से कुछ की समस्या घरेलू हिंसा की जरूर होगी, है या नहीं है? बताइए क्या समस्या है। अगर आप बोलने की हिम्मत नहीं करोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा। तो माइक भेजें, ये भेजें, पूछना है कुछ? आपको आपको घरेलू हिंसा का जो कानून है वो आपको जो है बहुत अधिकार दिलाता है। आप उसमें निवास का अधिकार ले सकती है अपने पति से। पूछना है भेजें। घरेलू हिंसा होती क्या है पूछो तो? कौन सी हिंसा है? हाथ पैर तोड़ी देंगे उसको हिंसा कहते हैं? किसको हिंसा कहते हैं कोई पूछे तो? क्या क्या उसमें आता है? अगर घर में आपको कोई भी परेशान करता है, जरूरी नहीं है कि उसने आप पे हमला किया हो, अगर आपको मानसिक रूप से परेशान करता है तो भी वो घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत आता है। बिल्कुल, कोई शारीरिक रूप से परेशान करना नहीं, मेंटली टॉर्चर करना, परेशान करना, कोई दबाव बनाना, प्रेशर बनाना, ये सब उसी में आते हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल बहू कर सकती है मुकदमा सास पर, सास भी कर सकती है बहू पे मुकदमा। बराबर। अभी ये सास लोग बहुत खुश हो गए, क्या बात है, पीड़ित है क्या? ज्यादा सास आपसे ज्यादा पीड़ित है। मैं आपको बताऊं कि अभी मैं खंडरावली के जय जवान इंटर कॉलेज में गई थी मिशन शक्ति में, वहां पे एक छात्रा थी, उसने मुझसे पूछा कि अगर बस में कोई लड़का हमें कुछ कहता है और हम उसके बारे में अपनी मम्मी को बताते हैं तो मम्मी कहती है कि पापा को मत बताना। तो उसने हमसे पूछा कि हम क्या करें। एकदम से मेरे तो कोई जवाब नहीं बना। और वहां जितने और अतिथि थे उनका कहना यह था कि हमें नहीं लगता कि आजकल जो है कोई माँ बाप इतने बेवकूफ होंगे। तो जो है उनकी जानकारी के लिए और आप सबके लिए भी बता दूं मैं कि जो है कि मेरी बहन जो है वहाँ पढ़ाती है डीवीडी और बुढ़ाना में पढ़ाती है, और उसने जो है मतलब वो एनएसएस की प्रभारी भी है वहाँ, उसने जो है लड़कियों को लेके गई वो, तो एक लड़की के पिता ने उसे फोन करके कहा कि मैं ही लड़की का नाम आप उसमें से काट दो, क्योंकि मैं ही लड़की जो है कॉलेज जाएगी, कॉलेज के बाहर नहीं जाएगी। अगर आपकी लड़की के साथ ऐसा होता है तो आप क्या करोगे? उसके उसके पिता का विरोध करोगे? एक बार जोर से कहो। नहीं बताओ जो है, क्योंकि जो है गुलाबी रंग वाली करेंगी, ये बाकी नहीं करेंगी लग रहा। बेटियों को शक्ति आप दोगे? जो जहाँ पढ़ना चाहे जाना चाहे उसमें आप सहयोग करेंगे, भले ही आपको साथ में जाना पड़े पर आप सहयोग जरूर करेंगे कि पढ़ लिख के बेटी कुछ बने, ठीक है? और बेटियों को पैदा होने देंगे, सबसे पहले जरूरी बात ये है। जमीने लड़कों को देनी है तो अकेले लड़का ही नहीं पैदा करोगे, लड़की लड़के का बराबर अधिकार है। अब से शुरू करिए, अपनी बेटी को भी दीजिए।
है ना, तभी बदलाव आएगा। किसी बेटी को मांगनी नहीं पड़े। आप जब माँ बाप है अपनी तरफ से खुद से दीजिए, जो बराबर है अपने बेटे का बेटी का बराबर सबको दीजिए, तो कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा, है ना। तो बेटी पैदा होने दीजिए, ये एक अपनी बेटी को मारना, मतलब पैदा होने से पहले मारना, पैदा होने के बाद मारना, ये भी एक अपराध है जो निरंतर बहुत परिवार करते हैं, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, सभी करते हैं, है ना। तो ये आपको आसपास भी पता चले तो उसकी सूचना जरूर दीजिए, और अपने जनरल में भी अवेयरनेस रखिए। आपको अधिकार है कि आपका बच्चा लड़का हो लड़की हो, आप अपना खुद डिसीजन ले सकते हैं, किसी के प्रेशर में आने की आपको आवश्यकता नहीं है। लड़का लड़की सब जगह आजकल बराबर हैं, और बराबर तभी होंगे जब पहले आप बराबर समझेंगे। तो आप भी समझिए, बेटियों को पैदा होने दीजिए। हाँ, सबके पास फोन होंगे जरूर, आप जितने हैं सबके पास फोन भी हैं, और फोन के साथ एक दिक्कत है कि आपका फोन नंबर किसी को मिल जाए वो आपको बार परेशान करता है। बहुत सी बात होता है, बहुत सी महिलाएं लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें जो है आदमी परेशान करते हैं बार बार फोन करके, और लड़कियां जो हैं वे अपना चुप बैठ जाती हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह से आप लड़के को हौसले बढ़ाती हैं और उसे जो है अपराधी बनाते हैं। अगर जो है कोई भी आपको परेशान करता है तो आप जाइए पुलिस कंप्लेंट करिए, अगर पुलिस कंप्लेंट करिए तो उसका नाम उसका नंबर जो है संविधान पे लिया जाएगा और जो है अपराध वहीं रुक जाएगा। लेकिन आप अगर उसे दबाते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जो अभी जो है और किस्से भी जो यूपी में चल रहे हैं, अगर कोई आपको पीछा करता है तो वो भी अपराध है। आप उसे पहली बार पकड़वाएंगे तो कम सजा है, लेकिन अगर जो है वो बार बार करता है ऐसा तो सजा और ज्यादा है। लेकिन आगे आपको बढ़ना होगा, शिकायत आपको करनी होगी, बोलना आपको होगा। अगर आप चुप बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। मैं केवल आप सबसे इतना कहूंगी कि अभी तक सो रही हैं जो, उन्हें आवाज तो दे दूं, बिलकते बादलों को मैं कड़कती गाज तो दे दूं, जन्म भर जो गए जोते, जन्म भर जो गए पीसे, उन्हें मैं तख्त तो दे दूं, उन्हें मैं ताज तो दे दूं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कि आप सब लोग जानते हैं कि आज भी जो पैतृक संपत्ति है उसमें महिलाओं को अधिकार नहीं मिलता है, जबकि ये कानून बन चुका है इस मामले में उत्तराधिकार कानून, और ये समझा जाता है कि लड़की को तो दहेज दे दिया है, क्या देना उसको, और मांग भी नहीं की जाती है। तो अभी इनकी कुर्सी पर कब्जा कर लिया, हंस रही हो। मैं डॉक्टर मीनाक्षी धीमान जी है यहाँ पर, मैंने कर दो